So let's start our introductory session on standards of auditing. तो देखना, अगर standards of auditing की हम लोग बात करें ना, तो मैं कह सकता हूँ कि यार पूरे audit के अंदर अगर सबसे ज्यादा important topic कोई है ना, तो वो standards of auditing है। This is the most 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 important topic for a student and most 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 important topic for a chartered accountant as well, right? क्योंकि जब आप ऑडिट करते हो ना, जब आप ऑडिट करते हो ना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आपको गाइड करता है जस्ट लाइक द भगवत गीता। तो जिस तरीके से अपने रियल लाइफ में कहता है ना कि कोई भी मुश्किल कोई भी परेशानी आए तो भगवत गीता से पूछो सवाल, भगवत गीता हमें गाइड करेगा। जब भी हम कोई डिलीमा में होते हैं तो भगवत गीता हमें गाइड करता है। उसी तरीके से ऑडिट की दुनिया में जब हम अपने ऑडिट फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहे होते हैं एज ऑडिटर, तो कोई भी कंफ्यूजन आए ना, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अपने को राह दिखाने वाला है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अपने को गाइड करने वाला है, राइट? तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हेल्प करता है ऑडिटर की वो क्या कर सके, अपने ऑडिट फंक्शंस को ज्यादा एफिशिएंटली ज्यादा इफेक्टिवली डिस्चार्ज कर सके, राइट? आपको पता है कि हमारा जो ऑडिट है ना, हमारा जो ऑडिट है वो पूरे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम ऑडिटर्स को, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है, राइट? हम ऑडिटर्स को, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है टू गिव ए ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। और हमारा जो ओपिनियन होता है वो इतना ज्यादा क्रूशियल होता है, इतना ज्यादा मैटर करता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना कंपनी के सारे अपने ओपिनियन पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ओपिनियन पे रिलाई करते हैं। दे रिलाई अपॉन द ओपिनियन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है और एक ओपिनियन दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है, तो वो जो ओपिनियन दिया होगा बिल्कुल सही दिया होगा। मतलब मान लो यार, जो ऑडिट का रेलिवेंस है वो इतना ज्यादा है कि मान लो सानिध्य सराफ ने किसी कंपनी का ऑडिट करा और साइन कर दिया, बताया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पूरा सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से है, तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे ना, जो स्टेक होल्डर्स होंगे ना, वो ये परसीव करेंगे कि अच्छा सानिध्य सराफ ने साइन किया है। सानिध्य सराफ कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, राइट? तो मतलब वो एक बहुत ही क्वालिफाइड व्यक्ति है, वो एक बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति है, वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। अगर उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही रहेगा। एंड बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, वो अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेगा। तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स डिसाइड करेंगे कि अच्छा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, मतलब सब कुछ सही होगा, मैं इस कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ। कंपनी के क्रेडिटर्स डिसाइड करेंगे कि हमारा पैसा सेफ है, हम कंपनी को और लोन दे सकते हैं। गवर्नमेंट को भरोसा होगा कि हाँ भाई अपने को टैक्सेस रेगुलरली मिलने वाला है, ऑन टाइम मिलने वाला है ना? नरेंद्र मोदी जी ने आपको याद होगा एक सीए डे का एक स्पीच था उनका। तो नरेंद्र मोदी जी ने सीए डे में कहा था कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है ना, पूरे इकोनॉमी का डॉक्टर होता है। एक डॉक्टर तो सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी का इलाज करता है, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है एक पूरी इकोनॉमी का डॉक्टर होता है। उसके किए गए साइन पे, उसके किए गए ऑडिट पे जनता निर्भर करती है, जो कंपनी के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो निर्भर करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था वहां पे कि मान लो एक विधवा महिला है, और वो विधवा महिला हो सकता है कि अपने जीवन भर की सारी पूंजी, अपने जीवन भर के सारे सेविंग्स कंपनी के शेयर पे लगा दे, कंपनी के म्यूचुअल फंड्स पे लगा दे, बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज द ऑडिटर, कि कंपनी में सब कुछ सही है, कंपनी प्रॉफिट में है। तो भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। एक ऑडिटर का जो इम्पोर्टेंस है ना, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। एंड टू एंश्योर कि ऑडिटर अपना काम अच्छे से कर सके, टू एंश्योर कि ऑडिटर अपना काम एफिशिएंटली कर सके, इफेक्टिवली कर सके, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इश्यू किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉर्मुलेट किया गया है, इश्यू किया गया है, ये कंसिस्टेंट है विद ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो दुनिया भर में अलग अलग देश के अंदर उनका अलग अलग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग होता है, राइट? एंड ज्यादातर सारे देशों में ना जो स्टैंडर्ड्स होता है वो सिमिलर होता है। तो हमारे देश के अंदर भी जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग बनाया गया है ना, वो कंसिस्टेंट है विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। मोर और लेस आपको सारे के सारे प्रिंसिपल सेम दिखाई देंगे। मतलब हमारे देश के अंदर अगर आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का नॉलेज है ना, तो आप दुनिया भर में कहीं भी जाकर ऑडिट कर सकते हो। मोर और लेस द प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम विद सम स्मॉल मॉडिफिकेशंस, ठीक है?
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का? टू गाइड द ऑडिटर्स टू डिस्चार्ज देयर ऑडिट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अभी बेसिक बातें कर रहे हैं तो आप लोग साथ साथ नोटिंग नोट डाउन कर लेना, राइट right. अभी तक आपने रियल स्टैंडर्ड स्टार्ट नहीं किया है, वो अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गाइड द ऑडिटर्स टू डिस्चार्ज देयर ऑडिट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दे आर कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। अब स्टैंडर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से आया, मतलब अब स्टैंडर्ड्स को इशू करने का पावर किसके पास है? स्टैंडर्ड्स को इशू करने का पावर किसके पास है? एज ए ऑडिटर हमारी क्या ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग? तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 बोलता है ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 बोलता है कि ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। और 143 सब सेक्शन 10 बोलता है कि इट्स द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब कर सकता है। लेकिन फर्दर बताया गया है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर देता, तब तक जो भी स्टैंडर्ड्स आईसीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है ना, वही सारा वैलिड होगा। तो पहले तो स्टैंडर्ड्स आईसीआई प्रिस्क्राइब करता था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो पार अपने पास प्रिजर्व किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग प्रिस्क्राइब करेगी इन कंसल्टेशन विद नफर एंड आईसीआई। और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नए स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब नहीं कर देता, तब तक आईसीआई के द्वारा जो इशू किए गए स्टैंडर्ड्स हैं वही वैलिड होंगे, वही इनफोर्स होंगे, वही अपने को एज ऑडिटर्स फॉलो करने हैं। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है ऑडिटर्स का? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है स्टैंडर्ड्स का? टू गाइड द ऑडिटर्स टू डिस्चार्ज द ऑडिट फंक्शंस मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड दे आर कंसिस्टेंट विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 9 कहता है ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। लिखना 143 सबसेक्शन 9 क्या कहता है, ऑडिटर शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। एंड 143 सबसेक्शन 10 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग क्या कहता है सर? पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। Power of central government to prescribe the standards on auditing. And until and unless SS are prescribed by CG, तो जो भी एसेस आईसीआई ने इशू किया है, दे शैल रिमेन वैलिड। अब देखना अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स जो अपने को पढ़ना है, ठीक है। अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं, एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज दैट इज SRS, एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स दैट इज SREs, एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स दैट इज SAEs, और एक होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल दैट इज SQCs। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें ना, तो पांच तरीके का स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है। पांच तरीके का स्टैंडर्ड्स, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो, अभी पूरा कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। तो पांच तरीके के स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं सर? सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट दैट इज SREs, उसके अलावा होता है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स दैट इज SAEs, एंड उसके अलावा होता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल दैट इज SQCs, ठीक है। अब इस चार्ट में दोबारा आऊंगा मैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपने को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन कौन से अलग अलग सर्विसेज रेंडर करता है। जब आप ये समझ लेंगे ना कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं कौन कौन से सर्विसेज रेंडर करता हूँ, तब इन दैट सिचुएशन अपने को समझ आएगा कि कौन से स्टैंडर्ड का क्या रेलिवेंस है और कौन से सर्विस रेंडर करते वक्त मेरे को कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो अब कुल मिलाकर ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज को हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज द सर्विसेज ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन टू पार्ट्स, एक एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है। अब एश्योरेंस सर्विसेज की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर? किसी तरीके का एश्योरेंस दे रहा है, किसी तरीके का तसल्ली दे रहा है। और एक होता है नॉन एश्योरेंस, मतलब मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, अब देखना इस चार्ट में आने से पहले अगेन एक दूसरे चार्ट में जाते हैं। टाइप्स ऑफ एश्योरेंस कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस,
एब्सोल्यूट एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, 100% एश्योरेंस कि चार्टर्ड अकाउंटेंट 100% एश्योरेंस दे रहा है कि ऐसा ही है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 100% एश्योरेंस दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता है क्योंकि उसके ऑडिट में बहुत सारे लिमिटेशन हैं, सो वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे ही नहीं सकता, दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ द पिक्चर। उसके बाद आता है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है सर ए वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कि सर मैं बहुत हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूँ, मान लो 90-95% लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूँ बट मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे रहा हूँ, मतलब इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट्स नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो 90-95% एश्योरेंस मान लो कि उतने तक दे रहा हूँ बट एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, ठीक है ना, ये होता है रीजनेबल एश्योरेंस। आई कैन नॉट गारंटी बट आई कैन गिव यू ए रीजनेबल एश्योरेंस। उसके बाद होता है सर मॉडरेट एश्योरेंस। मॉडरेट एश्योरेंस या फिर लिमिटेड एश्योरेंस, ये होता है रीजनेबल एश्योरेंस से भी थोड़ा सा कम, मान लो 50-60% के रेंज में, तो मॉडरेट एश्योरेंस हो गया या फिर सर लिमिटेड एश्योरेंस हो गया, और ये होता है रीजनेबल एश्योरेंस से भी थोड़ा कम, मान लो 60% के रेंज में, 60% रेंज, और रीजनेबल एश्योरेंस मान लो 90% रेंज, ठीक है। तो तीन तरीके का एश्योरेंस होता है, एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं कि जो बोला गया सब कुछ सही बोला गया, मैनेजमेंट ने जो बोला है सब कुछ सही बोला है, फाइनेंशियल्स में जो लिखा है सब कुछ सही लिखा है, नहीं कभी नहीं दे सकता। उसके बाद होता है रीजनेबल एश्योरेंस कि यार आई कैन गिव यू अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, आई कैन गिव यू अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट आई कैन नॉट गिव यू एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, आई कैन गिव यू एन आई कैन नॉट गिव यू अ गारंटी, तो वो होता है रीजनेबल एश्योरेंस। और एक होता है मॉडरेट एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस, जहां पे हम लोग मान लो कि रीजनेबल एश्योरेंस से थोड़ा सा कम उतना एश्योरेंस दे सकते हैं, मान लो 60% रेंज, एग्जांपल्स लिया ये तो अपन। तो तीन तरीके का एश्योरेंस होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखना दो तरीके के सर्विसेज होते हैं जो अपन रेंडर कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक होता है एश्योरेंस सर्विसेज, एक होता है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एक होता है एश्योरेंस सर्विसेज जहां मैं किसी प्रकार का एश्योरेंस दे रहा हूँ, मतलब यहां मैं किसी प्रकार का एश्योरेंस दे रहा हूँ, और एश्योरेंस तो तीन प्रकार के होते थे, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस होता था जो कि हमारे केस में बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। एक रीजनेबल एश्योरेंस देते थे, एक मॉडरेट एश्योरेंस देते थे, एक रीजनेबल एश्योरेंस देते थे, एक मॉडरेट एश्योरेंस देते थे। तो जब हम एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो काइंड ऑफ अपन रीजनेबल एश्योरेंस देंगे या मॉडरेट एश्योरेंस देंगे। और एक हो गया नॉन एश्योरेंस सर्विसेज जहां अपन किसी तरीके का एश्योरेंस दे ही नहीं रहे, जहां अपन किसी तरीके का एश्योरेंस दे ही नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो अगेन एक कंपनी मुझे हायर करती है कि आप हमारे लिए अकाउंट्स बना दीजिए, आप हमारे अकाउंट्स को कंपाइल कर दीजिए, ठीक है, तो वहां पे मैं एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं क्लाइंट के लिए अकाउंट्स बना के दे रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ क्या सर ऐसा काम? मैं अकाउंटिंग का काम कर सकता हूँ कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैं कंपाइलेशन का काम कर सकता हूँ कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट? कर सकता हूँ क्या भाई? कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप किसी कंपनी को अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आप किसी कंपनी के लिए कंपाइलेशन का काम कर रहे हो, तो आप उस कंपनी को ऑडिट नहीं करोगे, रेस्ट्रिक्शन वो है, दैट इज द रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, कर तो सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद मान लो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करके दे रहे हैं अपन क्लाइंट का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करके दे रहे हैं क्लाइंट का, सो ये भी सीए की सर्विसेज में आता है, एक सीए कर तो सकता है, बट अगर पार्टिकुलरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करके दे रहा है तो वो ऑडिट नहीं करेगा, राइट, बट सीए की सर्विसेज के दायरे में तो आता है। एक्चुअरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, तो ये सारा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, ये सारा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, ऑडिट सर्विसेज नहीं है, ये सारा नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है जहां पे ऑडिट सर्विसेज नहीं है, और यहां मैं किसी प्रकार का कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करूंगा इन दिस वेरी सर्विसेज। दूसरा होता है एश्योरेंस सर्विसेज जहां पे मैं एश्योरेंस प्रोवाइड करता हूं। अब एश्योरेंस सर्विसेज एक हो सकता है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, और एक हो सकता है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। तो एक हो सकता है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी प्रकार का एश्योरेंस दे रहा हूँ, इन रिलेशन टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी में किसी प्रकार का एश्योरेंस दे रहा हूँ, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है उसी उस लेवल उसके रिगार्डिंग कुछ एश्योरेंस दे रहा हूँ, और एक होता है अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात करें तो या तो सर मैं ऑडिट कर रहा हूँ या मैं क्लाइंट का रिव्यू कर रहा हूँ, या तो मैं ऑडिट कर रहा हूँ या मैं क्लाइंट का रिव्यू कर रहा हूँ, दो में से एक काम कर रहा हूँ, या तो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करके दे रहा हूँ या तो क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करके दे रहा हूँ, राइट।
तो हर कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है, वी नो दैट हर कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो उसका स्टैट ऑडिट मैंडेटरी है। तो या तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहा है सर, कंपनी को ऑडिट करके दे रहा है, या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनका रिव्यू भी मैंडेटरी होता है, राइट, जिनका रिव्यू भी मैंडेटरी होता है, लिमिटेड रिव्यू मैंडेटरी होता है, तो वो ऑडिट से लेसर डिटेल्ड होता है, वो ऑडिट से लेसर डिटेल्ड होता है। तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं एज पर द सेबी रेगुलेशंस फॉर कि कुछ ऐसी लिस्टेड कंपनीज होती हैं जहां पे रिव्यू मैकेनिज्म भी होता है। तो या तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, या तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं किसी कंपनी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं किसी कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ सर, तो मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे नहीं सकता, मैं यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस देने वाला हूँ, एक हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस देने वाला हूँ, मगर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देने वाला, ठीक है। और अगर मैं किसी कंपनी का रिव्यू कर रहा हूँ, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं कंपैरेटिवली एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देने वाला हूँ सर, एक लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देने वाला हूँ। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें सर, तो हम बजट्स की बात करते हैं, हम फोरकास्ट की बात करते हैं। क्लाइंट ने अपना बजट बनाया, क्लाइंट ने फोरकास्ट क्लाइंट ने क्या किया, अपने बजट्स प्रिपेयर किए या फोरकास्ट किया अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि आने वाले समय में हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे। सो वो क्या है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम एश्योरेंस दे रहे हैं रिगार्डिंग द बजट्स प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट, रिगार्डिंग द फोरकास्ट प्रिपेयर्ड बाय द क्लाइंट। तो यहाँ पे भी अपन क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे भी अपन मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी अपन मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं, लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहे हैं। रीजन क्या है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दे नहीं सकते, वो तो आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। यहाँ पे अपन रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम एक चीज बताओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को किस चीज का ज्यादा नॉलेज रहेगा, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ज्यादा नॉलेज रहेगा, ऑडिट का ज्यादा नॉलेज रहेगा, ऑडिट रिलेटेड चीजों का ज्यादा नॉलेज रहेगा, या फिर अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चीजों का ज्यादा नॉलेज रहेगा। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्यादा नॉलेज रहेगा, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चीजों का कंपैरेटिवली कम नॉलेज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे भी मैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकता हूँ या फिर लिमिटेड एश्योरेंस दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस भी नहीं दे पाऊंगा, समझो इस चीज को। तो या तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ या नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। एश्योरेंस सर्विस दिया तो या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा या तो अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा तो या तो मैं ऑडिट की सर्विसेज दे रहा हूँ या मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ, अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं मॉडरेट एश्योरेंस दे रहा हूँ, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूँ। अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो हमेशा मैं वहां पे लिमिटेड एश्योरेंस दे रहा हूँ सर, मॉडरेट एश्योरेंस दे रहा हूँ। एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के केस में तो मैं कोई एश्योरेंस दे ही नहीं रहा, एश्योरेंस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। अब अगर मैं ऑडिट कर रहा हूँ सर, तो वहां पे मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा हूँ और यहाँ मेरे ऊपर लगने वाला है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या लगेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगेगा, एसेस लगेगा। अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ और मॉडरेट एश्योरेंस दे रहा हूँ, तो याद रखना यहाँ पे मेरे ऊपर लगेगा SREs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। क्या लगने वाला है? SREs लगने वाला है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगने वाला है। अगर मैं अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूँ, सो इन दैट वेरी सिचुएशन मैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दूंगा, यहाँ मेरे ऊपर लगने वाला है स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAEs, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, SAEs, ठीक है। और अगर मैं नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, एश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, तो मैं तब यहाँ पे इन दैट सिचुएशन मेरे ऊपर लगेगा SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मतलब दिस आर द सर्विसेज जो ऑडिट से रिलेटेड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है बट ऑडिट नहीं है, तो वो हो गया SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो इंस्टीट्यूट ने हर जगह गाइडलाइन दी है, इंस्टीट्यूट हमसे सवाल कर रहा है, अच्छा तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वेरी गुड, अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। मैं बोलूंगा मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा हूँ, बोला अच्छा बच्चा ऐसे फॉलो करना। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं रिव्यू कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, मैं ऑडिट नहीं कर रहा, मैं रिव्यू कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अच्छा अच्छा रिव्यू कर रहे हो, तुम SRE फॉलो करना, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट फॉलो करना। फिर पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करता, मैं अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं एक्चुअरियल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या मेरे को ऐसे परफॉर्म करना है यहाँ पे? क्या मेरे को SRE परफॉर्म करना है यहाँ पे? तो इंस्टीट्यूट ने बोला ना ना ना, अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, अगर आप नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। तो ऑडिट कर रहे हो तो ऐसे फॉलो करो, रिव्यू कर रहे हो तो SREs फॉलो करो, अगर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एश्योरेंसेस दे रहे हो तो SAEs फॉलो करो, ठीक है ना।
और अगर बिल्कुल रिलेटेड सर्विसेज का काम कर रहे हो, नॉन एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इन दैट सिचुएशन एसआरएस फॉलो करो। क्या करो? एसआरएस फॉलो करो। तो एक तरीके से इंस्टीट्यूट हमें आदेश दे रहा है कब क्या फॉलो करना है, एंड अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इश्यू करा हुआ है, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स इश्यू करा हुआ है, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट इश्यू करा हुआ है, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज इश्यू करा हुआ है। और क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो तो सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड में बोला जाता है कि भाई विद इन द फर्म आप ऐसे पॉलिसीज बनाइए कि आप बेहतर तरीके से अपने सर्विसेज रेंडर कर पाए। तो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल का तो मतलब यही होता है कि किस तरीके से एक सीए फर्म अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर पाए, किस तरीके से सीए फर्म अपने क्वालिटी को इनहेंस कर पाए, किस तरीके से एक सीए फर्म इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, किस तरीके से एक सीए फर्म अच्छे स्टाफ को रिक्रूट कर पाए। राइट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसक्यूसीज, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी सर्विसेज। तो ये अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं जो अपने ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अपन डिपेंडिंग अपॉन कि अपन कौन सा सर्विस रेंडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली अपने को वो वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ गया एकदम? ऑडिट कर रहा हूं मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। रिव्यू कर रहा हूं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा। अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो इंस्टीट्यूट बोलता है ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। और एश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं करता, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो इंस्टीट्यूट बोलता है एसआरएस फॉलो करना पड़ेगा। और ये सारा अपने सिलेबस में है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स अपने सिलेबस में है, सारा का सारा एसएईज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अपने सिलेबस में है, सारा का सारा स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स अपने सिलेबस में है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज अपने सिलेबस में है, एसक्यूसीज अपने सिलेबस में है। तो ये सारा का सारा अपने सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो एक बार इस वाले हिस्से को नोट डाउन कर लेना, आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। एक बार इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ कमिंग टू द फाइनल ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स, राइट? सो नाउ वी आर कमिंग टू द फाइनल ओवरव्यू ऑफ द स्टैंडर्ड्स। अभी तक के पिक्चर क्लियर वाना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो देखना, ओवरऑल अगर बात करें ना, तो स्टैंडर्ड्स को अपन पांच हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है एसक्यूसीज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो ये डील करता है विद द फर्म्स इंटरनल क्वालिटी रिव्यू, फर्म्स इंटरनल क्वालिटी सिस्टम, कि भाई एक सीए फर्म अपने घर को कैसे सही कर सकता है। मतलब एसक्यूसी बोलता है कि तुम क्लाइंट का तो बाद में सही करोगे, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो बाद में ऑडिट करोगे, बट पहले अपने घर के अंदर तो तुम क्वालिटी अच्छी करो, पहले अपने घर के अंदर तो तुम क्वालिटी बेहतर करो, बेटर करो, अच्छे स्टाफ रिक्रूट करो, इंडिपेंडेंटली काम करो। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसक्यूसीज, टू इनहेंस द क्वालिटी विद इन द सीए फर्म। उसके बाद आता है एसेज, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो जब अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं तो एसेज लगता है। ठीक है, अब एसेस को भी अपन दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है जनरल एरियाज, एक होता है स्पेशलाइज्ड एरियाज। ठीक है, जनरल एरियाज की बात करें तो ऐसे 200 से लेकर 700 लगता है, और स्पेशलाइज्ड एरियाज की बात करें तो ऐसे 800 लगता है। ठीक है, तो एक होता है जनरल एरियाज, एक होता है स्पेशलाइज्ड एरियाज। मतलब नॉर्मली अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया जाता है ना फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
अगर जनरल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है तो मेरे ऊपर जनरल एरियाज वाले स्टैंडर्ड्स लगेंगे, ऐसे 200 टू 700 वाले स्टैंडर्ड लगेंगे। और अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूजर की नीड के लिए किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूँ तो वहां पे ऐसे 800 लगेगा। तो अगर मैं किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए स्पेसिफिक नीड के हिसाब से ऑडिट कर रहा हूँ तो ऐसे 800 लगेगा। बट जनरली सारे यूजर्स के कॉमन नीड के हिसाब से ऑडिट कर रहा हूँ, जनरल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर रहा हूँ, तो 200 से 700 लगेगा। उसके बाद वी हैव एसआरईज, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो जब रिव्यू करते हैं तो एसआरईज लगता है, दो एसआरईज है अपने पास, एसआरई 2400 है, 2410 है। जब SRS की बात करें, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज होता है, अगेन दो SRS है अपने पास, SRS 4400 है, 4410 है। एंड देन वी हैव SAEs, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो कुल मिलाकर तीन SAEs होते हैं अपने पास, देर आर थ्री SAEs, SAEs 3400, SAE 3402, SAE 3420, तीन SAEs अपने पास, SAE 3400 है, SAE 3402 है एंड SAE 3420 है, राइट। तीन अलग अलग प्रकार के SAEs हैं। सर आपने खाली SREs का बात क्यों करा, SRS का बात क्यों करा, SAEs का बात क्यों करा कि कितने SREs हैं, कितने SRS है, कितने SAEs हैं, क्योंकि ये गिनती के हैं, दो SRE है, दो SRS है, तीन SAE है। बट स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, 200 से लेके 800 तक पूरा स्टैंडर्ड्स का सीरीज चलता है अपना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड्स को अपन दो एरियाज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होता है जनरल एरियाज, एक होता है स्पेशलाइज्ड एरियाज। तो स्पेशलाइज्ड एरियाज मतलब ऐसे 800 सीरीज, एंड जनरल एरियाज मतलब ऑल द स्टैंडर्ड्स फ्रॉम ऐसे 100 टू लेके 700 का सीरीज जो है, ठीक है। अब जनरल एरियाज का जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसको भी अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज किए। सबसे पहले होता है ऐसे 100 से लेके 199, जहां पे इंट्रोडक्टरी मैटर्स की बात की गई है, जो अपने को नहीं पढ़ना होता, अपने सिलेबस के दायरे में नहीं होता। उसके बाद ऐसे 200 से लेके 299, जहां पे जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की है, ऑल द जनरल थिंग्स कि भाई आपको एथिकली काम करना है, आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, आप जब ऑडिट एग्री करोगे तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल में किन बातों का ध्यान रखना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, फ्रॉड की बातें, दोस्त चार्जेस गवर्नेंस को कम्युनिकेट करना है, ऑल द जनरल प्रिंसिपल्स एंड जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद आता है ऐसे 300 से लेके 499 का सीरीज। अब 300 से लेके 499 का जो कंप्लीट कैटेगरी है ना, कंप्लीट सीरीज है ना, वो रिस्क असेसमेंट की बात करता है, राइट। हाउ टू असेस द रिस्क एज ए ऑडिटर, After assessing the risk, how to decide my audit response as a auditor? तो वो risk assessment की बात करता है, response to assess risk की बात करता है। ऐसे 500 से 599 आता है अगला category, जो audit evidence का series है पूरा का पूरा। तो audit evidence की बातें करता है कि हम evidence कैसे लें as a auditor? क्योंकि आपको audit process की अगर हम लोग बात करें, basic audit process की बात करें, तो भाई सबसे पहले general चीजें आती हैं, फिर वो risk assessment करता है, फिर वो evidences लेता है, फिर वो opinion देता है। तो 500 से 599 आता है audit evidence related। Then ऐसे 600 से लेकर 699 एक स्टैंडर्ड का जो सीरीज है, that deals with using the work of other auditors. And 700 से लेकर 799 का जो लास्ट सीरीज है यहाँ पे, that deals with audit conclusion and reporting. That deals with audit conclusion and reporting, कि अपने को रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो आप ऐसे 200 की सीरीज में देखोगे ना, तो एक जनरल सीरीज है अबाउट डीलिंग अबाउट द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड कुल मिलाकर आप देखोगे यार, तो वहां पे कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 200 है, 210 है, 220 है, 230 है, 240 है, 250, 260, 265, 299, मतलब 9 स्टैंडर्ड्स हैं, कुल मिलाकर 9 स्टैंडर्ड्स अपने पास 200 की सीरीज में। ऐसे 300 से 499 की बात करें तो 300 के सीरीज में कुल मिलाकर 4 स्टैंडर्ड्स हैं, 4, एंड 400 की सीरीज में कुल मिलाकर 2 स्टैंडर्ड है, यानी यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड्स आ गया। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 स्टैंडर्ड्स है। एंड 700 से 799 की बात करें ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, तो 700, 701, 705, 706, 710, 720, अगेन यहां पे भी 6 स्टैंडर्ड्स अपने पास।
तो टोटल कितना हो गया सर? सिर्फ जनरल स्टैंडर्ड्स के, जनरल स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में, जनरल एरियाज के कैटेगरी में आप देखोगे 9, 6, 15, 26, 29, 35 स्टैंडर्ड्स हो गया, 35 स्टैंडर्ड्स हो गया, प्लस एसक्यूसी अलग है, प्लस एसक्यूसी अलग है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एरियाज में 800 की सीरीज में आप देखोगे 3 स्टैंडर्ड्स हैं, 3 SSV है, तो 35 + 3 = 38, 38, ठीक है। फिर SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, तो यहाँ पे 2, 40, फिर SRS के 2, 42, फिर SAEs के 3, 45, तो कुल मिलाकर भाई तुमको 45 स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए, ठीक है। SQC को मिला दे तो 46 स्टैंडर्ड्स पता होना चाहिए। तो भाई सबसे ज्यादा लेंथी एरिया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है तुम्हारे एग्जाम के लिए, है ना, द मोस्ट लेंथी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट टेक्निकल। बट अगेन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड्स में ना बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। हम लोग स्टैंडर्ड्स को एकदम सिंपल रखने वाले हैं, एकदम एक सिंपल अप्रोच के साथ स्टैंडर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। हम खुद का एक सिक्वेंस डिजाइन करेंगे क्लास में कि किस सिक्वेंस में अपने को स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है। पहले सारी कॉमन चीजें करेंगे जो सारे स्टैंडर्ड्स में कॉमन है, फिर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स में जाएंगे, फिर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के अंदर भी हम लोग एकदम बेसिक एग्जाम्पल्स लेकर, लेमन एग्जाम्पल्स लेकर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट। कैटेगराइजेशन करेंगे, फिल्टर्स लगाएंगे, फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे भाई कौन कौन से टॉपिक्स काम के हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड्स का टॉपिक बहुत लेंथी है, स्टैंडर्ड्स बहुत लंबा है। तुम समझ लो यार अपने आप में स्टैंडर्ड्स कम से कम 1000 पेज का किताब है पूरा, राइट। स्टैंडर्ड्स पूरा 1000 पेज का किताब है, तो स्टैंडर्ड्स अपने आप में इतना लेंथी है कि तुम स्टैंडर्ड्स की दुनिया में अलग से डूब सकते हो। स्टैंडर्ड्स अपने आप में एक सब्जेक्ट बन जाएगा 100 मार्क्स का, फिर भी कम है उसके लिए। तो स्टैंडर्ड्स को हमने ना बहुत बढ़िया तरीके से कंपाइल किया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंडर्ड को समराइज किया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, सारे जो एग्जांपल्स हैं ना एकदम बेसिक एग्जांपल्स लेकर अपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो भाई स्टैंडर्ड्स मेरी जिम्मेदारी है, हम लोग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे सिंपल बनाएंगे, आसान बनाएंगे, स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। कंसाइज नोट्स, कंसाइज एक्सप्लेनेशन, उसके अलावा जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा तो रिविजनरी ऑडियो नोट्स, रिविजनरी वीडियोस कि बार 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 आप लोग स्टैंडर्ड्स रिवाइज कर पाओ एग्जाम तक, वो सारा मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर, राइट। लेकिन तुमको क्या इंश्योर करना है? तुमको इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी, कि सर आप क्लासेस मेरे साथ अच्छे से देखने वाले हो, स्टैंडर्ड्स का हर एक क्लास अच्छे से देखने वाले हो, एक एक चीज फॉलो करने वाले हो, रेगुलर बेसिस में रिवाइज करने वाले हो, आपको मैं ऑडियो नोट दूंगा तो रेगुलर बेसिस में सुनने वाले हो, आपको मैं रिविजनरी वीडियो एग्जाम से पहले प्रोवाइड करूंगा तो रेगुलर बेसिस में उनको देखने वाले हो। तो आपको इंश्योर करना है कंसिस्टेंसी, दैट इज व्हाट यू हैव टू इंश्योर, ठीक है। और देखो मैं एकदम झूठा एश्योरेंस नहीं दूंगा आपको कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फिंगर टिप्स में आ जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा, एकदम से सब कुछ याद आ जाएगा, नहीं। मैं आपको बिल्कुल कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं देने वाला, कोई झूठा एश्योरेंस नहीं देने वाला। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक टेक्निकल टॉपिक है, बट हम लोग इसको ईजी बनाएंगे, हम लोग इसको मैनेजेबल बनाएंगे। मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके फिंगर टिप्स में एक बार में आ जाएगा, ये अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। हम लोग इसको पहले मैनेजेबल बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग मेक श्योर करेंगे कि स्टैंडर्ड्स के अंदर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। बट एकदम से स्टैंडर्ड्स एक बार में फिंगर टिप्स में आ जाएगा, ऐसा कोई फॉल्स एश्योरेंस मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। अगर कोई टीचर आपको ऐसा फॉल्स एश्योरेंस दे रहा है तो भाई बिल्कुल फॉल्स एश्योरेंस, ऐसा नहीं हो सकता, सच्चाई है, तुमको रियलिटी बता रहा हूँ। एक बार में नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, एक बार में नहीं हो सकता, क्योंकि द फर्स्ट टाइम यू स्टडी द स्टैंडर्ड्स तो यू गेट ए फ्लो ऑफ द एंटायर स्टैंडर्ड्स, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। उसके बाद धीरे 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 हौले हौले क्या होता है कि भाई अपन अपने को जो स्टैंडर्ड्स है ना वो अपने दिमाग में जाने लगता है। पहले अपने को स्टैंडर्ड्स को अपने दिमाग में डालना है, फिर स्टैंडर्ड्स को अपने को अपने दिल में डालना है। तो पहले दिमाग में डालेंगे, फिर स्टैंडर्ड्स को दिल में डालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड से प्यार करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड से क्या करेंगे, उसके बाद आप बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड्स एकदम आपके ना कम्फर्ट जोन में आ जाएगा। तो पहले स्टैंडर्ड्स को समझना है, फिर स्टैंडर्ड्स अपने को दोस्ती करनी है, फिर स्टैंडर्ड्स से अपने को प्यार करना है, ये प्रोसेस फॉलो करना है। तो क्लासेस के अंदर भी पहले स्टैंडर्ड्स को ओवरव्यू लेंगे, समझेंगे, फिर स्टैंडर्ड से दोस्ती करेंगे, फिर प्यार करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ करेंगे। बट आपको क्या करना है सर, आपको रेगुलर बेसिस में हर एक चीज जो बताई जा रही है उसे फॉलो करना है, हर एक गाइडेंस को फॉलो करना है। आपने स्टैंडर्ड्स क्रैक कर लिया ना तो समझ लो भाई आपने पूरा ऑडिट क्रैक कर लिया, आपके लिए पूरा ऑडिट आसान हो गया, आपके लिए पूरा ऑडिट इजी हो गया, अगर आपने एक बार स्टैंडर्ड्स क्रैक कर लिया। तो अपने को मिलकर क्या करना है सर, ये स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट अच्छे से क्रैक करना है, एंड बिलीव मी बहुत मजा आने वाला है इस जर्नी में, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस जर्नी।
एंड अपना जो सीक्वेंस रहने वाला है ना सर, वो डिफरेंट रहने वाला है. अपना जो सीक्वेंस रहने वाला है वो डिफरेंट रहने वाला है. जो इंस्टीट्यूट का सीक्वेंस है स्टैंडर्ड्स का, अपन ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे. ऐसे 200 से लेके 800 तक का जो सीरीज है, इसमें मैं सिक्वेंसिंग में चेंज करने वाला हूँ. राइट, एक लॉजिकल पैटर्न में अपन स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे. तो सीक्वेंस मेरा होगा, मैं आपको एक डिफरेंट सीक्वेंस में आगे लेके जाऊंगा. उस सीक्वेंस में अपने को आगे बढ़ना है, एंड जिस तरीके से मैं आपको बोलूँ उस तरीके से आपको स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना है. उस सीक्वेंस में आपको स्टैंडर्ड्स को पढ़ना है, एंड हम स्टैंडर्ड से दोस्ती भी करने वाले हैं, स्टैंडर्ड्स के साथ मोहब्बत भी करने वाले हैं, प्यार भी करने वाले हैं. तो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए.